महाबलासुर ने रहस्यवादियों से युद्ध छेड़ दिया है, अपने लोगों से ही। इसे टाला नहीं जा सकता। उसने उनका सरदार बनने की कोशिश की, लेकिन उसे बहुत घमंड हुआ था। राजी को होशियार रहना होगा, अब भी उसके समर्थक हो सकते हैं। जैसा आप कहती हैं, ये युद्ध है और युद्ध में हर बात संभव है। सावधान राजी, ये जीव तेजी और गुप्तता के लिए पाले जाते हैं। वे युद्ध के हथियार हैं। दूसरी स्थिति में इससे आपको खुशी होगी दुर्गा, युद्ध की देवी। लेकिन इनसे नहीं, ये असुर हैं। मुझे इन रहस्यवादियों या इनके सरदार पर भरोसा नहीं है। महाबलासुर कभी उनमें से एक था। उसने बहुत पहले ही मानवता का साथ छोड़ दिया है। रहस्यवादियों का होना भगवान शिव के इस दुनिया के संतुलन का हिस्सा है। मानव कमजोर हो गए हैं और असुर शक्तिशाली हो गए हैं। संतुलन बना रहना चाहिए। मुझे कमजोर मत समझना। अब भगवान शिव को कुछ करना होगा। देखिए, महाबलासुर ने कितना विनाश किया है और अब भी कर सकता है। आपको ऐसा क्यों लगा कि भगवान शिव कुछ नहीं कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि जब राजी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसे कौन लेकर आया? आप
आपको क्या लगता है कि उसका भाई ही क्यों उठाया गया? ये असुरों के युद्ध का कुल चिन्ह है, एक बुरी शक्ति जिससे बहुत सारे जीवों को बुलाया जाता है। राजी को सावधान रहना होगा। Ah!
रहता है। अब जो होगा उसका सामना हम मिलकर करेंगे। Thank you.
आपने भगवान शिव के कुछ करने के बारे में कहा था। ये उनका मंदिर है। ये संयोग नहीं है कि राजी ने खुद को यहाँ पाया। ये तो समय बताएगा। Yeah!
शिव, महादेव, क्या आपने मुझे यहाँ बुलाया है? मैं इस युद्ध को कैसे रोककर अपने भाई को बचा सकती हूँ? महादेव, मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगी। बच्चा, उसका भाई, उसने महाबाल असुर के साथ बहुत समय बिताया है। मुझे इस बच्चे के लिए उसकी कोई योजना नहीं दिख रही। वो एक सनकी जीव है। वो राजी को हराने के लिए गोलू का इस्तेमाल करेगा। उसके प्यार को उसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। उसे संभल कर रहना होगा। Ah!
खड़ा हुए दो लोग कई लोगों के भाग्य का फैसला करेंगे। बाबा, हमारे पूर्वजों की इस बात का मतलब क्या है? ये शिव और सती की शादी है, जिससे सती के पिता दक्ष को बहुत गुस्सा आया। दक्ष ने अपनी बेटी को नीचा दिखाया और शिव का सबके सामने अपमान किया। सती ये सहन नहीं कर पाई और उन्होंने खुद को आग में झोंक दिया। शिव को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने अपनी भौं से एक बाल तोड़ा, धरती से उसे घिसा और तब वीरभद्र निकले, शिव के भयावह योद्धा, जिन्होंने दक्ष को मार दिया और उन्हें शांत किया, यहां तक कि मैं भी उन्हें नहीं रोक पाया। अश्वत्थामा का जन्म। द्रोण की कई सालों की तपस्या के बाद हुआ था। उसके माथे पर एक मणि थी जो उसे महान योद्धा बनाती थी। जब द्रोण को चाल से मार दिया गया, तब अश्वत्थामा ने अर्जुन को चुनौती दी। दोनों योद्धाओं ने मंत्रों से विनाशकारी अस्त्र बनाए। अर्जुन समझदार था, उसने अपना अस्त्र रोक लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने ऐसा नहीं किया और अर्जुन की बहू उत्तरा की ओर मोड़ दिया, जिससे पांडवों का वंश खत्म हो जाए। इसके लिए कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया और उसके माथे से मणि निकाल ली। हजारों सालों तक वो दुनिया भर के जंगल घूमता रहा। उसकी चोट से खून और मवाद बहते रहते, ऐसा कहते हैं वो आज भी घूम रहा है। एक बार मैंने पृथ्वी पर राम के रूप में जन्म लिया था। भगवान शिव बहुत खुश हुए और उन्होंने इच्छा जताई कि मेरी यात्रा में वे मेरे साथ मेरी मदद के लिए चलेंगे, लेकिन पार्वती ने उन्हें अपने साथ रहने के लिए कहा। वानरों के एक महान राजा थे केसरी, जिन्होंने बच्चे के लिए भगवान शिव की तपस्या की और इस तरह मेरी मदद करने और केसरी को वरदान देने के लिए भगवान शिव ने केसरी के घर में हनुमान के रूप में जन्म लिया, जिन्होंने मेरे राम रूप में बहुत मदद की। रहस्यवादियों का घर उन्होंने जला दिया। गोलू, तुम इतने चालाक हो कि खुद को चोट नहीं पहुंचने दोगे। तुम्हें सुरक्षित रहना होगा। मैं प्रार्थना करूंगी कि तुम सुरक्षित रहो। Oh!
मुझे लगता है उसके लिए ये देखना कठिन होगा। युद्ध अच्छा नहीं होता, इसमें विनाश, मौत, हड्डियां और खून बहता है। ये सुंदर तो नहीं होगा, लेकिन उसे अपने शत्रु की दुष्टता की सीमा देखनी होगी। उसे ये देखने की जरूरत थी। उसे पता होना चाहिए कि महाबाला सूर क्या कर सकता है। मुझे माफ कर दो राजी। उसकी खोज अब केवल उसके भाई तक नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए जो इस दुष्टता को सहन कर रहे हैं। वादियों का पूरा गांव खतरे में था। ये विजेता किसी भी कीमत पर भी नहीं रुकेगा। सदियों का इतिहास और ज्ञान नष्ट करेगा।
रहस्यवादियों के सरदार को पत्र देना पड़ा। उसने ये रहस्य काफी समय तक अपने पास रखा।